हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अ फेवरेट यूट्यूब चैनल वीपी स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, हमारा चैप्टर है पार्ट 5 अनीट का। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले, एक्चुअली पॉपअट हो चुका है मेरे साथ भी खुद। गाइस, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी बट कैमरा ऑन नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। सो इसमें जो निशान से वो आपको मतलब साइंस लगे हुए दिख रहे होंगे, तो इसलिए अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। तो हमारे कल हमने क्या था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर तक खत्म कर दिया था, आज हम करें ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर से। तो जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, ये तीन होंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये तीन होंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो होगा जीनस, सेकेंड होगी स्पीशीज और थर्ड होगी वेराइटी। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, गोरिल्ला सबसे ईजी एग्जाम्पल है ये इसका, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। फर्स्ट है हमारे पास जीनस, सेकेंड है हमारे पास स्पीशीज और थर्ड है हमारे पास वेराइटी। तो ये था हमारे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हम आगे देखने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इसको याद करना, तो हमारे पास फर्स्ट होती है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, कीप पोच क्लीन अदरवाइज फैमिली गोट सिक, कीप पोच क्लीन अदरवाइज फैमिली गोट सिक। दोनों के फर्स्ट लेटर्स मैच हो रहे हैं, कीप किंगडम पोच फाइलम क्लीन क्लास अदरवाइज ऑर्डर फैमिली फैमिली गॉड जीनस सिक स्पीशीज। तो ये हमारे ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, कीप पोच क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉड सिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने के लिए। अब हम समझते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो जो हमारी जो स्पीशीज है, स्पीशीज के पास क्या है, इसके पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्पीशीज के अंदर होंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास हायरार्की है, और जो किंग हायरार्की के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। जो स्पीशीज है उसमें मिनिमम जो है सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, और जो हमारी किंगडम है उसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होंगे। जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे स्पीशीज से, तो हमारे पास क्या होगा, हायरार्की बढ़ेगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे ये स्पीशीज से हम किंगडम की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास हायरार्की और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे, वो कम होंगे। तो आप एग्जांपल ले सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कम कैसे होंगे। स्पीशीज मान लीजिए बंदर है, बंदरों की स्पीशीज है। अब कोई गोरिल्ला, गोरिल्ला बोल में कोई बंदर हमारे पास क्या, लंगूर बंदर बोलते हैं, और भी नॉर्मल बंदर होते हैं, मतलब उनकी सब क्या अपनी अपनी अलग अलग स्पीशीज होती है। तो अब स्पीशीज से उनको किस में कर दिया, जीनस में, फिर जीनस से फैमिली में, ऐसे उनको बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के उनको एक किंगडम के अंदर इकट्ठा कर दिया। एक तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्पीशीज के अंदर, तो हमारे पास क्या था, लंगूर बंदर अलग है, वैसा बंदर अलग है, मतलब जो भी स्पीशीज का नाम है। तो उस हिसाब से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है, सारी स्पीशीज के सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते बढ़ते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होती जा रही हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर आ जाता है हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड। टैक्सोनॉमिक एड क्या है, ये एक टेक्निक प्रोसीड्यूर इन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन पर्पस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, ये एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है, और एक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है जिसका यूज करके हम क्लासिफिकेशन और किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन पर्पस हम के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो अब इसके अंदर हमें किसके बारे में, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ जर्नल कैटलॉग हर्बेरियम जूलॉजिकल पार्क बोटनिकल गार्डन म्यूजियम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो टैक्सोनॉमिक एड है क्या है, टेक्निक है, प्रोसीड्यूर है, और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो आने वाले लेक्चर में हम सारी टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में थोरोली अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। सो होप सो गाइस कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीपी स्टडी पॉइंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।